हमारा एक कारकुन जान बहक हो गया, ठीक है, शहीद हो गया, वो शेख जैद में भेज दिया है हमने। और उसके बाद तीन हमारे साथी बहुत तश्वीशनाक हालत में हैं और हमारे ऊपर इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी, जबकि हर हम इन पुर अमन बैठे हैं। बार बार हमारे इनके साथ रब्ता भी हो रहा है कि हम पुर अमन तरीके से बैठे हैं। जब हमारी हुकूमत नहीं सुनेगी जनाब, कोई अदारा नहीं सुनेगा, तो हम रोड के ऊपर ही आके बैठेंगे ना। हमें अपनी सबकी जानों भी अगर देने पड़ी तो इंशाल्लाह हम हजूर की इज्जत नमूद के लिए हाजिर हैं। खान साहब जो इस वक्त मुल्क के वजीर आजम हैं, उनका तो कहना है कि मुज़ाकरात से जो हैं वो हर मामले हल हो जाते हैं, और 126 दिन उन्होंने खुद भी धरने दिए हैं अपनी पार्टी के लिए। तो आप क्या कहेंगे कि इस वक्त ये जो आप लोगों के मामले हैं, क्या ये मुज़ाकरात से हल नहीं हो सकते? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा पाकिस्तान के साथ, मैं हूं आपका होस्ट आमिर अमीन। नाज़रीन, इस वक्त हम नेशनल हाईवे पे मौजूद हैं, एक मजहबी जमात तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह की तरफ से जो धरनों की कॉल दी गई थी, और खादिम हुसैन रिजवी साहब के जो साहबजादे हैं उनको अरेस्ट करने के बाद पूरे मुल्क में इस वक्त धरनों का जो सिलसिला है वो जारी है, जिस वजह से मुल्क में इस वक्त ट्रैफिक जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जैम है, और नेशनल हाईवे भी वो बंद की हुई है। इस वक्त हमारे साथ सिटी रहीमयार खान के तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह के अमीर मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कल से हम नेशनल हाईवे के ऊपर चौक बहादुरपुर में पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, और उसके बाद आज हुकूमत की तरफ ज़िले इंतजामिया की तरफ से बहुत ख़तरनाक इन्होंने शदीद शैलिंग की। शैलिंग करने के बाद रेंजर आ गई, फिर हमने पाक फ़ौज के नारे लगाने शुरू कर दिए और हमारे साथी पुरअमन तरीके से खड़े हो गए, और उसके बाद बख्तरबंद गाड़ियाँ आई हैं और हमारे कारकुनों के ऊपर उन्होंने चढ़ा दी हैं, और उसमें हमारा एक कारकुन जान बहक हो गया, ठीक है, शहीद हो गया, वो शेख जैद में भेज दिया है हमने। और उसके बाद तीन हमारे साथी बहुत तश्वीशनाक हालत में हैं और हमारे ऊपर इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी, जबकि हर हम इन पुरअमन बैठे हैं। बार बार हमारे इनके साथ रब्ता भी हो रहा है कि हम पुरअमन तरीके से बैठे हैं, हमारा ऊपर कोई ऐसा मामला या हम कोई ऐसा मामला नहीं कर रहे हैं, साथ हमारे पेट्रोल पंप है मगर शेल भी कर रहे हैं, सारे मामलात कर रहे हैं, और पुलिस वालों ने ये पेट्रोल पंपों के भी नुकसान जो किए हैं वो भी हमारे ऊपर डाल रहे हैं, और इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी, हमारे साथी यहाँ पे शहीद हो गए। मगर बात तो ये है कि हम किसके आगे रोएं, हमारी जो बात होती है, हमारा जो मुतालबा होता है, हम किसके पास लेके जाएं? जब हमारी हुकूमत नहीं सुनेगी जनाब, कोई अदारा नहीं सुनेगा, तो हम रोड के ऊपर ही आगे बैठेंगे ना कि भाई हमारा ये मुतालबा आप माने, तो उसके बाद ये हमारे ऊपर ये बख्तरबंद गाड़ियाँ चढ़ा दें, ये तो जुल्म की इन्होंने इंतहा कर दी आज रहीमयार खान के मंदा। हमारा तो यह जिला रहीमयार खान पुर अमन जिला है, यकीन करें तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालों ने तो यहाँ पे एक पत्ता भी नहीं तोड़ा, आज इन्होंने जुल्म कर दिया, हमारे कारकुन शहीद कर दिए, उनके ऊपर गाड़ियाँ चला दी इन्होंने, और इंशाल्लाह एक दिन हुजूर की बारगाह में इन्होंने जाना है और हम भी लेके जाएंगे ये शहीद। और अब हम इस हाल में भी इंशाल्लाह नेशनल हाईवे के ऊपर पुरअमन तरीके से बैठे हैं, लिहाजा इंतजामिया हमें परेशान ना करे, और इंशाल्लाह हम अपने मरकजी कायद का काल की इंतजार करेंगे, और हमें अपनी सबकी जानों भी अगर देने पड़ी तो इंशाल्लाह हम हजूर की इज्जत नमूद के लिए हाजिर हैं। अब आप लोगों का क्या मुतालबा है यहाँ? हमारा मुतालबा ये है कि हमारे कायद मोहतरम को छोड़े, वो जो ऐलान करेंगे हम उसके ऐलान के पासबान होंगे, इंशाल्लाह उसी के मुताबिक हम यहाँ पे खड़े हैं, और पुरअमन तरीके से हम यहाँ पे जमा हैं, हमारे साथी भी शहीद हुए हैं, फिर भी हम पुरअमन हैं, क्योंकि हजूर की इज्जत नमूस के लिए निकले हैं, हमारी जातियत कोई नहीं है, लिहाजा हम जितने भी आशकाने रसूल हैं उनको कहते हैं कि चौक बहादुरपुर में तशरीफ लेके आए, भरपूर तरीके से पहुंचे यहाँ पे, जब तक सफीर नहीं निकालते। हमारे इस वक्त तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह के कारकुन जो है कम पेश 10 से 15 शहीद हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, मगर तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे कारकुन हुजूर की इज्जत नमूस पे कुर्बान तो हो सकते हैं, कभी सौदा नहीं हो सकता, इंशाल्लाह जब तक ये सफीर को बाहर नहीं निकालेंगे तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह अमल में रहेगी, इंशाल्लाह मैदान अमल में जानों के नजराने पेश करेगी। खान साहब जो इस वक्त मुल्क के वजीर आजम है, उनका तो कहना है की मुज़ाकरात से जो है वो हर मामले हल हो जाते हैं, और 126 दिन उन्होंने खुद भी धरने दिए हैं अपनी पार्टी के लिए। तो आप क्या कहेंगे कि इस वक्त ये जो आप लोगों के मामले हैं, क्या ये मुज़ाकरात से हल नहीं हो सकते? जनाब, जब उनकी अपनी हुकूमत की बारी थी तो उन्होंने अपनी हुकूमत के लिए 126 दिन धरना दिया, और उसके बाद जो मौजूदा वजीर दाखिला है उस वक्त इसे ये वीडियो वायरल की थी, जला दो, गहरा दो, सारा कुछ कर दो, मगर इनको अपनी हुकूमत के लिए, अपनी कुर्सी के लिए तो 126 दिन धरना दिया, मगर हम अब तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले हजूर की इज्जत नमूस के लिए मैदान अमल में आया, तो ये उन्होंने बदतरीन तरीके से शैलिंग कर रहे हैं,
उनके वो गिरफ्तार कर रहे हैं और उनके ऊपर इन्होंने गाड़ियां चढ़ा दिया और इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दिया। और जबकि ये खुद कहता था कि जनाब वाला मुज़ाकरात के तहत ही सारे मामला हल होते हैं, जबकि हमारी तो मुज़ाकरात की बात इनके साथ हो चुकी थी, हमारा तो मुआहिदा इनके साथ 20 अप्रैल का हो चुका था, उसके पहले इन्होंने हमारे कायदे मोहतरम को क्यों गिरफ्तार किया और इन्होंने वादे की जनाबे वाला पासदारी क्यों नहीं की और उसके बाद इन्होंने जो हमारे साथ मुआहिदा किया था उसके ऊपर इन्होंने क्यों नहीं अमल किया। ये देखो ये बिल्कुल नाहल है और ये अपनी राय के ऊपर जुल्म कर रहे हैं और ऐसे हुक्मरान नहीं होते। यकीन करें कि अब हमारे साथी जितने भी दोस्त बाब इधर जख्मी हुए हैं और शहीद हो चुके हैं, जुल्म की इंतहा कर दी, मगर ये जो हौसले हैं ये पस्त नहीं हो सकते क्योंकि हम आए हैं हुजूर की इज्जत नमूद के लिए। इस वक्त नेशनल हाईवे मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है, जबकि पुलिस की जानिब से शेलिंग और पथराव का सिलसिला जारी है। जबकि तहरीक लबैक या रसूलल्लाह के कारकुनान का कहना है कि साद हसन रिजवी की रिहाई तक यह एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क में जारी रहेगा। अपने मेज़बान आमिर अमीन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।